भारत में कॉटन की फसल पिंक बॉल वर्म नामक बीमारी से खराब हुई है और रही सही कसर भारी बारिश ने पूरी कर दी, जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ और इसके स्टॉक में भी कमी आई। हाजिर में कॉटन की कीमतों में अच्छी बढ़त भी देखने को मिली है। कॉटन की कीमतें ज्यादा ऊंची रहने के चलते एक्सपोर्ट और घरेलू डिमांड में थोड़ी कमी जरूर देखने को मिली है। ऊपरी स्तरों पर कॉटन में लिवाल थोड़ा कम देखने को मिला है, लेकिन कारोबारियों का मानना है कि कॉटन में कुल मिलाकर तेजी का ही रुझान है। CAI यानी कि कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कपास के उत्पादन अनुमान को घटाकर 348 लाख गांठ का कर दिया है। वहीं हाजिर में कोई भी कारोबारी कपास का उत्पादन 320 लाख गांठों से ज्यादा का नहीं बता रहा है। वहीं बाजार के जानकार केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया के अनुसार बजट पेश होने के कुछ दिन बाद तक कॉटन की कीमतों में थोड़ी नरमी रह सकती है, लेकिन ओवरऑल रुझान तेजी का ही रहने वाला है। कॉटन में खरीदारी में रहा जा सकता है। फरवरी में कॉटन में थोड़ा मंदा देखने को मिल सकता है, लेकिन अचानक से उछाल भी जरूर देखने को मिलेगा। अजय कीड़िया के मुताबिक जब तक कॉटन 32,000 के ऊपर है, टेक्निकली तेजी देखने को मिल सकती है। कॉटन में 42,000 से लेकर 44,000 तक के भी स्तर देखने को मिल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।